ये चढ़ाई करके अभी पहुंचना है ऊपर, वो महादेव विराजमान है और इस रस्सी के सहारे ये यहाँ नीचे से मैं आया हुआ हूँ। बहुत ही कठिन दोस्तों, आप देख सकते हो पूरी खाई है और अभी थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया है, तो बहुत ही आनंददायक, पर कठिन उतनी ही ज़्यादा है। मैं हूँ अभी किन्नौर कैलाश की यात्रा में और लगभग ही लगभग मैं पहुँचने वाला हूँ महादेव के उस पवित्र शिवलिंग पे, जो दुनिया का सबसे कठिन शिवलिंग कहा जाता है दोस्तों। जो ये अंदर से जो फीलिंग्स आती है ना, जो भावनाएं होती है ना, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। महादेव के इस धाम में पहुंच के इतनी कठिन यात्रा है ना दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था। मैं इससे पहले 3 कैलाश कर चुका हूँ, पंच केदार कर चुका हूँ और भी बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूँ, पर ये जो यात्रा है ना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और यहाँ पर आके आपको ज़िंदगी के जितने दुख दर्द, आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सारी याद आती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सामने जो खड़ा है ये महादेव का शिवलिंग है। ये बस यहाँ से घूम के पीछे के रास्ते जाना है, तो बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ महादेव के उस पवित्र धाम में, जहाँ पर महादेव विराजमान है, जहाँ पर महादेव रहते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, अभी बज रहे हैं सुबह के 5 और मैं हूँ गणेश गुफा में। मेरी चल रही है किन्नौर कैलाश की यात्रा। कल मैं पहुँचा था तंगलिंग से पार्वती, जो अपना गणेश पार्क है वहाँ पे, और आज सुबह 2:30 बजे वहाँ से शुरू करी है अपनी यात्रा। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है और अभी 5 बज रहे हैं, पहुँचे हैं गणेश गुफा पे। आप देख सकते हो चारों तरफ पूरी धुंध है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मौसम बहुत ख़राब हो चुका है। मैं निकला हुआ था अपने घर से नैनीताल से, पहले दिन देहरादून पहुँचा, उसके बाद दूसरे दिन रामपुर पहुँचा, तीसरे दिन मैं इधर अपना तंगलिन पहुंचा, फिर रजिस्ट्रेशन कराया और कल 1 बजे अपनी यात्रा शुरू करी है किन्नौर कैलाश के लिए। और शाम को लगभग 6 बजे के आस पहुंचा हूं मैं गणेश पार्क, वहां पर नाइट स्टे किया और सुबह 3:30 बजे चलना शुरू किया है। अभी यहां से महादेव के दर्शन के लिए बहुत आगे जाना है, बहुत कठिन चढ़ाई है। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। पूरी वीडियो देखिए, आप लोगों को महादेव के सबसे पहले धाम और महादेव के सबसे पवित्र, सबसे कठिन धाम की दर्शन में कराने वाला हूँ। हर हर महादेव। ये रास्ता जाता आगे के लिए महादेव के कैलाश के दर्शन के लिए, और चारों तरफ बादल हैं, बारिश हो रही है, बहुत ही कठिन हो चुकी है यात्रा। वैसे ही पहले से ही कठिन है और मौसम के ख़राब होने की वजह से और ज़्यादा कठिन हो चुकी है।
अभी हमें ये जो लाइट नज़र आ रही है, ये लाइट के साथ साथ यहाँ से होते हुए बहुत ऊपर जाना है। अभी तो यहाँ हरियाली नज़र आ रही है, ऊपर तो पूरे पत्थरों के ऊपर चल के जाना होता है। दोस्तों लगभग 6 से 7 किलोमीटर आगे आ गया हूँ गणेश गुफा के आगे। वो नीचे वहाँ गणेश गुफा है, इसके नीचे जो बड़ा पत्थर दिख रहा है वो गणेश गुफा है। और अभी ये वाली जो चढ़ाई है पूरा दर्शन तक का, ये पूरे शरीर को तोड़ देने वाली है, बहुत ही बहुत कठिन यात्रा। आपका कोई चैनल मेरा? अच्छा हाँ, शैडो ज़्यादा आ रहा है, मैं एडिट भी करता हूँ ना। अच्छा हेलो अंदर से। हाँ
मैं हूँ अभी किन्नौर कैलाश की यात्रा में और लगभग ही लगभग मैं पहुँचने वाला हूँ महादेव के उस पवित्र शिवलिंग पे जो दुनिया का सबसे कठिन शिवलिंग कहा जाता है दोस्तों। जो ये अंदर से जो फीलिंग्स आती है ना, जो भावनाएं होती है ना, इसको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। महादेव के इस धाम में पहुंच के इतनी कठिन यात्रा है ना दोस्तों, मैंने सोचा नहीं था। मैं इससे पहले 3 कैलाश कर चुका हूं, पंच केदार कर चुका हूं और भी बहुत सारी यात्राएं कर चुका हूं, पर ये जो यात्रा है ना, ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। और यहाँ पर आके आपको ज़िंदगी के जितने दुख दर्द आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, सारी याद आती हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये सामने जो खड़ा है ये महादेव का शिवलिंग है। ये बस यहाँ से घूम के पीछे के रास्ते जाना, तो बस मैं पहुँचने ही वाला हूँ महादेव के उस पवित्र धाम में जहाँ पर महादेव विराजमान है, जहाँ पर महादेव रहते हैं। एक बार सभी लोग मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। ये देख सकते हैं कितना कठिन ये रास्ता है, पूरा रस्सी पकड़ के आगे बढ़ना है यहाँ पे, बहुत ही डिफिकल्ट। और इस सामने विराजमान है महादेव, बस कुछ ही दूरी पे और ऊपर जाना है। ये चढ़ाई करके अभी पहुंचना है ऊपर, वो महादेव विराजमान है। और इस रस्सी के सहारे ये यहाँ नीचे से मैं आया हुआ हूँ, बहुत ही कठिन दोस्तों। आप देख सकते हो पूरी खाई है, और अभी थोड़ा मौसम भी ठीक हो गया है, तो बहुत ही आनंददायक, पर कठिन उतनी ज़्यादा है। नहीं होगा यहाँ से, तो वो सामने दिख रहे हैं ना। हाँ अभी तो धूप है, बढ़िया हो गया। हर हर महादेव, फाइनली हर हर महादेव। हर हर महादेव दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं महादेव के सबसे पवित्र और सबसे कठिन धाम में, और जिस धाम को कहा जाता है महादेव का ग्रीष्मकालीन यानी गर्मियों का निवास स्थान, तो यह है किन्नौर कैलाश। बहुत ही कठिन ये यात्रा है, और मैं पहुंच चुका हूं यहां पर। सुबह 3 बजे शुरू किया था और 10 बजे के लगभग यहाँ पर पहुँच के दर्शन हो गए हैं। बहुत ही खूबसूरत अभी तक की यात्रा रही। थोड़ी एक बारिश हो गई थी, आज मौसम ख़राब था, तो उस धुंध की वजह से वीडियो उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाई, पर जो दर्शन हुए ना, वो अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत थे। तो बहुत आनंद आ गया, बहुत ही, मतलब मेरे ये 4 कैलाश पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 1 कैलाश बचा हुआ है। पिछले साल मैंने श्रीखंड कैलाश, मणिमहेश कैलाश और आदि कैलाश किया, इस साल किन्नौर कैलाश और आदि कैलाश दोबारा से जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि उस पॉइंट पे जाऊं मैं जहां से कैलाश मानसरोवर के दर्शन होते हैं, तो मेरे फिर पांचों कैलाश हो जाएंगे। तो पंच केदार और पंच कैलाश लगभग पूरे हो चुके। पंच केदार तो पूरा हो गया, पंच कैलाश में सिर्फ 1 कैलाश बचा हुआ है। आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के लिए हर हर महादेव। हाँ जी, हाँ जी।
हर हर महादेव। ये कीजिए दर्शन महादेव के सबसे कठिन और सबसे पवित्र धाम के, ये है किन्नौर कैलाश। ये रस्सी लगा हुआ है, इसी से ऊपर आना है।